नमस्कार दोस्तों दोस्तों पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मेरी गारंटी है भ्रष्टाचारियों घोटाले बाजों के ऊपर कार्रवाई की गारंटी है। बड़ी अजीब सी बात है। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि जिस एनसीपी के लिए एक सभा में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एनसीपी पे 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है और कल ये आरोप महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर के द्वारा भ्रष्टाचार भूल जाता है। कल एनसीपी भाजपा में हो गया, अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बन गए, उनके जितने विधायक थे वो मंत्री बन गए और सारे पाप धुल गए। तो मोदी जी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल को सही से काम करने नहीं देगी। अगर कोई दल उनके विरोध में खड़ा होगा तो ये ईडी और सीबीआई लगाकर पे छापे मरवाएंगे, उन्हें जेल भिजवाएंगे। और अगर कोई दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। किस पाउडर से? महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर से। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सभा में ये हिम्मत नहीं करनी होगी, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, गारंटी देते हैं कि सभी घोटालेबाजों को जेल में डालेंगे। अब आप सब लोग तय कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में फर्क कर रही है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग पाउडर बनके लोगों के पाप धो रही है और ये गारंटी दे रही है कि जो भी घोटालेबाज भ्रष्टाचारी भाजपा में आएगा उसके पाप धुल जाएंगे, उसके दाग चुटकियों में धुल जाएंगे। तो मैं देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई। आप लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है, विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है और इस महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने का काम कर रही है। बाकी निर्णय जनता के हाथ में है। आज अंधभक्त जो हैं, जो भक्त हैं, वो भी देख करके शर्मा गए होंगे। जय हिंद।